हम लोग शुरू करते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा पंप रूम भी सुना, पंप रूम पूरा अच्छे से पढ़ लिया, आप लोगों ने स्प्रिंकलर सिस्टम भी पढ़ा, राइजर सिस्टम भी पढ़ा, होल ड्रिल भी पढ़ा, हाइड्रेंट भी पढ़ा, लेकिन इसको इंस्टॉल जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, टैंक भी आपने सारे पढ़ लिए हैं, अभी उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे कहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है। जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग है 3-4 फ्लोर की है या और की इंडस्ट्री में इसका सिस्टम लगना है तो वो कैसे लगता है, वो सिस्टम आप लोगों को बताने आज जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, ये सिस्टम कुछ भी फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले एक एरिया के अकॉर्डिंग एक टैंक बनता है। अगर वो टैंक हम लोगों ने कहीं बाहर ये नीचे टाइप नीचे कहीं जगह में वो टैंक बना रखा है, अगर हम लोगों कोई टैंक नीचे बना रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर टैंक और रिजर्व टैंक है ना। उसका कनेक्शन अगर हम इस एक पाइप खड़ा करते हैं रेड कलर का, जो पाइप आपने देखा होगा बिल्डिंग किनारे खड़ा होता है जब पानी जाता है, उसका कनेक्शन अगर हम प्रेशर टैंक से या रिजर्व टैंक से कर देते हैं या शहर की वाटर सप्लाई से भी कर सकते हैं, एक पंप लगता है, पंप क्या करेगा, प्रेशर का काम करेगा चढ़ाने का। तो अगर हमने उसका कनेक्शन यहाँ से कर दिया और नीचे से ऊपर पानी जा रहा है तो इसको बोलते हैं राइजर सिस्टम। क्या बोलेंगे, राइजर सिस्टम, राइजर सिस्टम, राइजर सिस्टम, हिंदी में राइजर सिस्टम। अगर इसी टैंक का कनेक्शन, पहले हम राइजर सिस्टम बता देते हैं, अगर नीचे से ही कोई राइजर यहां से जा रहा है, नीचे से पंप का कनेक्शन हो गया नीचे टैंक से, ऊपर पानी जा रहा है और यहाँ पे चढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, एक एयर रिलीज वाल्व, जो पानी की एयर को निकाल ले, एयर रिलीज, ठीक है, एयर रिलीज करके पानी चढ़ाने में आसानी देगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो पानी चढ़ने में एयर बनाएगा, बार बार दिक्कत देगा। अभी क्या करते हैं कि जितने फ्लोर होते हैं 8, 10, 12, 20, 25, 30 कितने भी फ्लोर हो, हर माले पर एक आउटलेट छोड़ते हैं। आउटलेट का मतलब होता है पानी निकलने की जगह, बिल्डिंग के किनारे खड़ा किया, एक एक आउटलेट हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, उन्हीं आउटलेटों पर हम लोग क्या करते हैं, एक ये हाइड्रेंट फिट करते हैं, हाइड्रेंट बाल, एक लेंच लगती है उसके बाद एक हाइड्रेंट बाल खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेंट बाल, जो कि आप लोगों ने अच्छे से देखा है, हाइड्रेंट बाल लगा देते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, अब कि हम लोगों को फायर फाइटिंग उस फ्लोर पे करनी है तो उसमें हमने आउटलेट छोड़ के हाइड्रेंट बाल लगा दिया, हर फ्लोर पे लगा देंगे, पास में ही एक बॉक्स लगा देंगे जिसको बोलते हैं होज बॉक्स, होज बॉक्स, होज बॉक्स लगा देते, होज बॉक्स में क्या रखा होगा, एक ब्रांच होज और एक ब्रांच डिलीवरी होज, ठीक है, एक डिलीवरी होज और एक ब्रांच शॉर्ट ब्रांच या कोई भी ब्रांच जिसके अकॉर्डिंग वो एरिया के अकॉर्डिंग किस तरह से दुर्घटना संभावित है, शॉर्ट ब्रांच ही नॉर्मल रख देते हैं, उसमें लॉक लगा के रखते हैं, दीवार में फिट कर देते हैं वो बॉक्स। अब ये क्या होता है, ये इसको चलाने के लिए दो आदमी चाहिए आपके, एक लगाएगा दूसरा फैला के वहां से पकड़ेगा तब यहाँ से ऑन करेगा तब चला सकते हैं, यही होता है ना। इसी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, साइड में उसी से एक एक इंची का पाइप लेके होजरील होज और लगा देते हैं, होजरील होज, होजरील का इंस्टॉलेशन कर देते हैं, इसको आप व्हील में लपटा होता है होजरील, उसको खींचते हुए ले जाइए, आप अकेले भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। यहाँ आपने बाल्ब लगा होता है, बाल्ब आपने खोला और फायर फाइटिंग आपने उसी फ्लोर पे चालू कर दी, ऐसा सिस्टम ये हर फ्लोर पे लगा होता है। अब इन्हीं से इसी पाइप से राइजर सिस्टम से ही एक एक इंची का पाइप एक जाल नुमा हम लोग और फैला देते हैं जो छतों पे फैला होता है, ठीक है, उस पे वो एक रॉड लगती है, रॉड से पाइप जो है लटक जाता है, पाइप में पूरा फिट हो जाता है, ऊपर फास्टनर लगा के रॉड लटका देते हैं और उन्हीं रॉडों में हम लोग एक इंची के पाइपों का जाल फैला देते हैं। अब इन पाइपों में छोटी छोटी 6 से 8 फीट की दूरी पर हम लोग एक
आउटलेट छोड़ते हैं। आउटलेटों में हम लोग स्प्रिंकलर हेड को फिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, स्प्रिंकलर हेड आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है स्प्रिंकलर हेड का वीडियो देख लीजिएगा और किताबों में भी पढ़ लेना। उसमें क्या होता है, जब स्प्रिंकलर हेड अपने आप जब आग लगती है तो बल्ब उसका फूट के और बौछार देना शुरू करता है। वो भी दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था आपको, तो फ्यूजल सोल्डर टाइप और कार्टेज बल्ब टाइप, तो वो पढ़ लेना आप। वो फूट जाते हैं तो ये अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। जैसे बदलना होता है तो हम वहाँ का बल्ब जो है एक बंद कर देते हैं और उसके बाद या तो पूरी मेन सप्लाई, अगर यहाँ बल्ब नहीं लगेगा तो पूरी मेन सप्लाई आपको बंद करनी पड़ेगी एक बदलने के लिए, नहीं तो यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं और स्प्रिंकलर हेड भी अपना काम शुरू करते हैं। ये स्प्रिंकलर हेड लगे हुए हैं। अब ये तो हो गया अपने बिल्डिंग की सुरक्षा। अब इसी पाइप से एक अपने बिल्डिंग के, जैसे बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी है वो हमारी दीवारों को गर्म कर देती है, तो उसके लिए इसी लाइन से ही ड्रेंचर भी फिट कर देते हैं। ड्रेंचर में हमने आपको पढ़ाया है, रूफ ड्रेंचर, वॉल ड्रेंचर और विंडो ड्रेंचर, और तीनों आप उसी इसी लाइन से ही वो भी फिट हो जाते हैं। अब यह हो गया पूरा इंस्टॉलेशन का फिगर। अब अगर यही कनेक्शन यहां से ना करके ऊपर एक टैंक बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एलिवेटेड टैंक, टेरेस टैंक भी वो लोग बोल देते हैं, ठीक है, उससे अगर इसका कनेक्शन हो रहा है तो एयर रिलीज वाल्व की जरूरत नहीं है। नहीं, आप लोगों ने नॉर्मल इससे कनेक्शन कर दिया पंप लगा के और यहाँ से पानी देना शुरू कर दिया। अभी डाउन, इसको अगर ऊपर से कनेक्शन हो गया तो इसको बोलते हैं डाउन डाउन, ना कि राइज सिस्टम नहीं बोले, राइज सिस्टम हो गया नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए और ऊपर से नीचे के लिए डाउन डाउन कॉमर। और सेम सिस्टम यही होता है, उसमें भी यही लगा है, बस ऊपर से पानी आ रहा है तो डाउन कॉमर और नीचे से जा रहा है तो राइजर सिस्टम। और सभी में होज बॉक्स लगे होते हैं, हर फ्लोर पे हाइड्रेंट बल्ब लगा होता है, होल ग्रिड होज लगा होता है और स्प्रिंकलर लाइन लगी होती है और ये बाहर ड्रेंचर लगा होता है। इस तरह का सिस्टम हर जगह होता है। जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ पे पंप रूम बनाया जाता है नीचे, उससे कनेक्शन होकर राइजर खड़ा किया जाता है। अगर जहाँ छोटा एरिया है तो वहाँ पे एक टैंक, एलिवेटेड टैंक बना दिया, राइजर सिस्टम, डाउन कॉमर सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिक्स्ड फायर फाइटिंग, ठीक है, समझ गए? यस सर।